हेलो बच्चों बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैम्बरलिंग अप्रोच ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। तो बच्चों, 1920 के दौर तक परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को ही रियल लाइफ कंडीशन माना जाता था। तो चैम्बरलिंग ने एक नई अप्रोच डेवलप की जिसको कि हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कैसे होता है अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिंग अप्रोच। तो उससे पहले देखिए, जैसे इनकी अजम्पशंस की हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले अजम्पशंस की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने परफेक्ट कंपटीशन की सारी अजम्पशंस को लिया, लेकिन उन्होंने माना कि परफेक्ट कंपटीशन की तरह जो गुड्स है वो होमोजीनियस ना होकर हेट्रोजीनियस होता है। तो सबसे पहले कि इनकी जो अजम्पशंस थी वो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर इन द ग्रुप, यानी कि उन्होंने ग्रुप वर्ड यूज़ किया, ठीक है, मार्केट की जगह ग्रुप वर्ड यूज़ किया। देखिए, मार्केट और ग्रुप में अंतर होता है। मार्केट का मतलब होता है एक ही गुड्स की मार्केट, और ग्रुप का मतलब है जैसे मान लीजिए बुक बनाने वाले हैं, तो बुक बनाने वाले का मतलब क्या हुआ कि कॉमिक्स बनाने वाला वो अलग ग्रुप है, ठीक है। इसी तरीके से जो टेक्स्ट बुक बनाता है कॉलेज लेवल की, स्कूल लेवल की, वो एक अलग ग्रुप है। इसके अलावा जो रिलीजियस बुक बनाते हैं वो एक अलग ग्रुप है। तो उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया वो इसके लिए ग्रुप यूज़ किया। इसके अलावा देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होता है। सभी का जो गोल होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, जो प्रोडक्ट है वो दे आर डिफ्रेंशिएटेड, जो कि हमने आपको बताया था अलग है परफेक्ट कंपटीशन से, बट दीज गुड्स आर क्लोजली सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, ठीक है। इसके अलावा फैक्टर प्राइस और टेक्नोलॉजी जो है वो गिवन है। इसके अलावा हमने मान लिया है कि जो डिमांड कंडीशन है और कॉस्ट की कंडीशन है वो गिवन है और सर्टन है, मतलब फिक्स है, ठीक है। इसके अलावा द लॉन्ग रन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल शॉर्ट रन पीरियड, यानी कि लॉन्ग रन जो होता है वो शॉर्ट रन के पीरियड से मिलकर बनाए। तो ये हमारी कुछ अजम्पशंस है जिनको हम आगे वाले वक्त में यूज़ करेंगे। इसके अलावा कॉस्ट कर्व के बारे में बता देता हूँ बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि उनके द्वारा ये माना गया था कि जो भी हमारे कॉस्ट कर्व होते हैं, चाहे वो AC होता है, चाहे वो AVC होता है, चाहे वो MC होता है, वो सारे के सारे वो हमारे यू शेप के होते हैं। इसके अलावा चैम्बरलिंग मॉडल में जो सबसे पहले जो कंसेप्ट यूज़ किया था वो सेलिंग कॉस्ट का कंसेप्ट उन्होंने यूज़ किया था। इसके अलावा बच्चों, अगर हम बात करें डिमांड कर्व की, तो जैसे कि यहाँ पर डिमांड कर्व है उसके बारे में हम डिटेल समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे तीन तरीके के डिमांड कर्व बताए हैं, प्रोडक्ट ग्रुप डिमांड कर्व, इसके अलावा प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व और प्रिसाइड डिमांड कर्व। तो इन तीनों में अंतर क्या है वो आप एक बार समझ लीजिए ताकि हम अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से कर सकें। चलिए, मान लीजिए एक ग्रुप है जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, मतलब टीचर तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मेरा कंपटीशन उन लोगों से नहीं है जो मैथ्स पढ़ाते हैं या साइंस पढ़ाते हैं, मेरा कंपटीशन तो उन लोगों से है जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक ग्रुप है, यानी कि वो लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं वो एक ग्रुप बना लिया हमने उनका। अब ग्रुप में, जैसे मार्केट में तो होमोजीनियस गुड्स होती हैं, तो होमोजीनियस गुड्स की मार्केट डिमांड को अगर आप जोड़ दोगे, यानी कि इंडिविजुअल सभी की डिमांड को जोड़ दोगे, तो वो बन जाएगी आपकी मार्केट डिमांड। प्रोडक्ट ग्रुप डिमांड का मतलब है केवल इकोनॉमिक्स की डिमांड, आप मेरी बात को क्लियर कीजिएगा, यानी कि बाकी की सब्जेक्ट की डिमांड ऑनलाइन क्लासेस की हम बात नहीं कर रहे, हम केवल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे। तो यहाँ पे हो गया प्रोडक्ट ग्रुप, मतलब प्रोडक्ट ग्रुप का मतलब क्या हुआ, एक प्रोडक्ट का जो ग्रुप है उसकी जो डिमांड है उसको बोलते हैं, जैसे बिल्कुल मार्केट डिमांड की तरह ही है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ग्रुप डिमांड कर्व। इसके अलावा बच्चों एक होता है प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज कीजिए, मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए कर्व। सपोज कीजिए कि मान लीजिए चार टीचर हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, और हम थोड़ी देर के लिए सुविधा के लिए मान रहे हैं कि सभी का जो रेशियो है वो 25% है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर प्राइस 10 रुपये है तो जो डिमांड होगी वो 100 की होगी, 100 की होगी, मैंने ये लिख दिया जी, ठीक है, मैं यहाँ पॉइंट लगा रहा हूँ 100 पे। इसी तरीके से अगर प्राइस जो है वो 5 रुपये हो जाता है मान लीजिए, तो जो डिमांड है वो 200 की हो जाएगी, और अगर प्राइस जो है वो हो जाता है 2 रुपये, तो जो डिमांड है वो हो जाएगी हमारी 500। तो इसका मतलब ये जो कर्व है, ये वाला दिस कर्व, इस कर्व को हम बोलेंगे प्रोडक्ट ग्रुप डिमांड कर्व। प्रोडक्ट ग्रुप डिमांड कर्व का मतलब क्या है कि मार्केट में अगर 10 रुपये की फीस होती है तो 100 बच्चे डिमांड करेंगे इकोनॉमिक्स के कोर्स की, 5 रुपये होती है तो 200 बच्चे कोर्स की डिमांड करेंगे, और 2 रुपये होती है तो 500 रुपये, यानी कि बिल्कुल मार्केट डिमांड की तरह ही है। प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व का मतलब है मेरा हिस्सा, जैसे कि मान लीजिए यहां पर मेरा जो हिस्सा था वो 25 था, ठीक है, 5 रुपये पर मेरा जो हिस्सा है वो 50 हो गया, और 2 रुपये पर मेरा हिस्सा जो है 125 हो गया, यानी कि हमने उसी 25% को हमने एज्यूम करके चले हैं। तो इस केस में जो प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व होगा वो बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा इसके, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट डिमांड कर्व, प्रोडक्ट
ग्रुप डिमांड कर्व है और जो हमारा प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है, दीज आर दी पैरेलल। इसके अलावा बच्चों एक होता है हमारा प्रिस्क्राइब्ड डिमांड कर्व। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको समझ में आ जाए मेरी बात तो। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि मेरा जो प्राइस है 10 रुपये पे मैं अपना 25 रुपये सामान बेच रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं प्राइस को 25 से 5 कर दूँ तो मेरी जो डिमांड है वो बढ़कर 75 हो सकती है। मुझे ऐसा फील होता है कि भाई 75 मेरी डिमांड जो है वो बढ़ सकती है, 75 तक पहुँच सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि जब मैं प्राइस गिराऊंगा तो बाकी के लोगों को ये पता नहीं चलेगा और केवल मेरी ही डिमांड बढ़ेगी। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता, यानी कि ये वो आर्टिफिशियल डिमांड है जिसको वो मान के बैठा होता है, यानी कि एक तरीके से ये इलास्टिक होती है, मोर इलास्टिक होती है एज कम्पेयर टू प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व। यानी कि ये वाला जो है जिसको कि हम आप क्या बोल रहे हैं, प्रिस्क्राइब डिमांड कर्व, एक तरीके से ये अजम्पशन बेस्ड डिमांड है, यानी कि वो ये मान के चल रहा है कि 2 रुपये पर उसकी जो डिमांड है वो 125 नहीं होगी बल्कि 150 या 200 करीब होगी, ठीक है। तो रियल में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब एक प्राइस गिराता है तो कंपटीशन करने वाले सभी लोग प्राइस गिरा देते हैं, ओके। तो यही उनको उनका ये मानना था, इसको हम बोलते हैं प्रिस्क्राइब डिमांड कर्व। तो आने वाली जो थ्योरी हम यूज़ करेंगे उसमें हम इन तीनों का ही यूज़ आगे करेंगे, ओके बच्चों। तो यहाँ पे मैं आपको ये, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो पॉइंट है ये समझ में आ गया होगा, फिर हम आगे बात करते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। अब इसमें तीन मॉडल हैं जो चैम्बरलिन ने यूज़ किए थे। सबसे पहला मॉडल नंबर 1, यानी कि इक्विलिब्रियम विद न्यू फर्म्स एंटरिंग दी इंडस्ट्री, यानी कि उन्होंने माना कि उस कंडीशन में जिसमें नई फर्में एंटर करती हैं इंडस्ट्री में। दूसरी कंडीशन है जिसमें नई फर्म तो एंटर नहीं करती हैं लेकिन जो फर्म है उनके बीच में प्राइस कंपटीशन होता रहता है। और तीसरा, प्राइस कंपटीशन एंड फ्री एंट्री। तो इन तीनों के ऊपर बच्चों हम अलग अलग वीडियो बनाने वाले हैं। इस जो वीडियो है इसमें हम आपको मॉडल नंबर 1 को समझा रहे हैं, जो कि है इक्विलिब्रियम विद न्यू फर्म एंटरिंग दी इंडस्ट्री। तो बच्चों ये जो वीडियो, ये जो कोर्स, ये जो टॉपिक है, ये इग्नू की किताब में भी है, UPSC में भी ये क्वेश्चन आता है, नेट का भी लिए ये क्वेश्चन है। तो आप इसको समझदारी से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप बच्चों के लिए। खैर इंपॉर्टेंट तो सभी है अगर आप पढ़ाई करोगे तो। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना है कि हमारे लिए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बच्चों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके लिए जो डिफ़िकल्टी का लेवल है, देखिए इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स की टर्मोलॉजी तो हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि हम इकोनॉमिक्स की टर्मोलॉजी यूज़ ना करें, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करें, सिंपल समझाने की कोशिश करें। चलिए हमने मान लिया कि ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है जो कि प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है, ठीक है। यानी कि क्योंकि इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं तो मैं इसको एवरेज रेवेन्यू या डी कह देता हूँ, ठीक है, प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है। और ये हमारा MR कर्व है जिसको कि मैं MRD बोल देता हूँ। और इस केस में हमने डायग्राम डिफिकल्ट ना हो इसलिए हमने प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व नहीं बनाया है, प्रिस्क्राइब डिमांड कर्व नहीं बनाया है। आप चाहें तो उसको भी ड्रॉ कर सकते थे हम इस तरीके से डाल के, ओके। लेकिन हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते, जहाँ जरूरत होगी उसकी हम वहाँ पे उसका यूज़ करेंगे, डेफिनेटली यूज़ करेंगे। तो इस केस में देखिए इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तो आप जानते ही होंगे कि इक्विलिब्रियम तब होता है जब MC जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे इस पॉइंट पर जिसको कि हम ई बोल रहे हैं, और ये हमारा देखिए क्या हो गया, प्राइस डिसाइड हो गया जो कि इसको ए बोल देते हैं, ठीक है, और ये हमारी क्वांटिटी डिसाइड हो गई, ओके बच्चों। तो इसमें तो कोई मुश्किल बात है नहीं, आपको पता ही है रूल के हिसाब से। अब शुरुआत उन्होंने की थी हर डायग्राम में, तीनों ही मॉडल में एबनॉर्मल प्रॉफिट से। तो मान लीजिए ये शॉर्ट टर्म में एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है जो कि है हमारा AC एवरेज कॉस्ट, तो जिसको कि हम नाम दे देते हैं P1। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये सारा का सारा बच्चों एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है, ये सारा का सारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, अब हम डायग्राम को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं बच्चों। अब देखिए ये तो जो है वो क्या है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है। अब हमने क्योंकि हमने हमारा एजम्पशन क्या है कि न्यू फर्म एंटरिंग कर सकती है इंडस्ट्री में, यानी कि इकोनॉमिक्स मान लीजिए ये इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट हो रहा है इकोनॉमिक्स पढ़ाने में, तो ये जो हिस्सा है प्रॉफिट है ये वाला, इससे अट्रैक्ट होके नई फर्में मार्केट में आएंगी, डेफिनेटली नई फर्में मार्केट में आएंगी। जब नई फर्में मार्केट में आएंगी तो जो प्रपोर्शन है, मतलब इंडिविजुअली मेरा प्रपोर्शन, जैसे मान लीजिए अभी मेरा मार्केट शेयर 25% है, तो जब ज़्यादा हो जाएंगी तो 20% हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो मार्केट शेयर है वो घटना शुरू होगा। मैं आपको कम करके दिखा देता हूँ, इस तरीके से जो मार्केट शेयर है उसमें कमी आएगी,
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए आर हो गया, ये भी प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये क्या बता रहा है कि हमारी जो मार्केट डिमांड है उसमें धीरे धीरे क्या आई है, कमी आई है, ये एम आर टू है। ओके बच्चों, तो कई वाले कई मैं आपको मतलब इस तरीके का ए आर और एम आर बना के दिखाया होगा, तो ये हमारा न्यू है, यानी कि ये क्या बता रहा है कि ये मार्केट में नए लोग एंट्री किए, जब मार्केट में नए लोगों ने एंट्री की तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो डाउनवर्ड चला गया क्योंकि प्रोपोर्शनली कम हो गया। अब आप देखिएगा कि जो इक्विलिब्रियम हो रहा है वो इस पॉइंट पर हो रहा है, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है ये हम E1 बोल देते हैं, इससे जो क्वांटिटी है वो घटकर Q1 हो गई और जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर हो गया, यानी कि अब किसी भी तरीके का जो आप कह सकते हो कि क्योंकि ये कॉस्ट इतनी थी ना PP1, अब इसको हम P2 बोल देते हैं, तो इस केस में आप देखिए किसी भी तरीके का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझाने की कोशिश की। एक और तरीके का डायग्राम है जो अलग अलग बुक में आपको मिलेगा, मैं वो भी बना देता हूँ आप बच्चों के लिए, थोड़ा सिंपल हो जाएगा आपको समझना, ठीक है। कई बुक्स में इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमें ARMR नहीं दिखाया हुआ है, सीधा डिमांड कर्व दिया हुआ है और ऐसे बोला हुआ है कि मान लीजिए ये हमारी एवरेज कॉस्ट है तो ये हमारा जो है वो प्रॉफिट है, ये हमें ऐसे दिखाया हुआ है। कई सारी बुक्स अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किस बुक्स की पे पढ़ने वाले हो, लेकिन कई सारी बुक्स में इस तरीके से हमें प्रॉफिट दिखाया हुआ है, केवल मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट नहीं दिखाया हुआ बल्कि सीधा प्रॉफिट दिखाया हुआ है। ओके बच्चों, तो ये हमारा प्राइस हो गया। तो वहां पे बता रहा है कि जब नई फर्म एंट्री करेंगी तो आपका जो प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। डाउनवर्ड शिफ्ट करने का मतलब आपका इस तरफ से शिफ्ट कर जाएगा और ये शिफ्ट करते करते तब तक शिफ्ट करता रहेगा जब तक कि आपका जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल ना हो जाए, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो घट जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी कई बुक्स में बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। मैंने तो आपको डिटेल डायग्राम बनाया है ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। कंसेप्चुअली क्या है कि पहले जो AR और MR की वजह से एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट होने की वजह से नई फर्म एंट्री करेंगी, नई फर्म एंट्री करने से जो एक फर्म का डिमांड कर्व है यानी कि जो AR और MR कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट अब आपको E1 मिलेगा और जो एबनॉर्मल प्रॉफिट था अब वो खत्म होकर नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा कंसेप्ट है, पूरा का पूरा कंसेप्ट यही है। बच्चों अगली वीडियो में हम आपको मॉडल 2 और मॉडल 2 आपको करवाएंगे, उससे अगली वीडियो में मॉडल 3 कराएंगे। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, थैंक यू।